हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था अबाउट क्वांटिटेटिव थियोरी ऑफ मनी एंड कैसे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड क्वांटिटी ऑफ मनी में रिलेशनशिप एक्सप्रेस किया था हमने। एक बार क्विकली अगर हम उसे देखें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड क्वांटिटी ऑफ मनी में हमने डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी लिया, जिसमें हमने कहा कि जो सप्लाई होती है वो तो आरबीआई रेगुलेट करता है, जो परफेक्टली इनइलास्टिक है, एंड डिमांड फॉर मनी डाउनवर्ड स्लोपिंग है हमारा, जिसमें जब भी हमारा इंटरेस्ट रेट हाई होता है, इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो उस केस में एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट होती है। और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट होना इसका मतलब कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। और वहीं अगर उल्टा होता है कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होती है, लोग ज्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से पैसा निकाल रहे हैं, निकाल रहे होंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो अगर एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होती है तो वो पैसे डाल रहे हैं, एंड दैट इज वाई इंटरेस्ट रेट्स वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर उल्टा होता है तो वो पैसे निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से वापस इंटरेस्ट रेट ऊपर आना स्टार्ट होता है और इक्विलिब्रियम रेट पे अचीव होता है, जिसे रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल बैंक आराम से मनी सप्लाई बढ़ा या घटा सकता है। ये हमने बेसिक सा कवरेज लास्ट सेशन में किया था, डायग्राम के थ्रू हमने उसे देख लिया था। इस सेशन में हम दो बेसिक छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, एक सेंट्रल बैंक, तो हमारे लिए तो सेंट्रल बैंक है हमारा आरबीआई, उसका क्या रोल होता है एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ऐसे देखने जाए तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं, बट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं आरबीआई से, क्योंकि देश में ग्रोथ संभालने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का होता है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। बेसिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मतलब दो तरह के कॉस्ट को कंट्रोल करना। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ डिस्कसिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। वी टॉक अबाउट टू काइंड ऑफ कॉस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन विच अ पर्सन हैज टू इनकर, मेनू कॉस्ट एंड शू लेदर कॉस्ट। What is menu cost? Inflation होने की वजह से बार-बार prices change होते हैं, तो बार-बार prices change होते हैं, तो मैं कोई सामान बेच रहा हूं, तो मुझे भी उसकी price change करनी है, तो जो मैंने rate card बनाया होगा, वो rate card वापस छपवाना पड़ेगा, एक तरीके से वो भी मेरी costing होती है, उसे हम कहते हैं menu cost, क्योंकि मुझे card of rates बदलना पड़ जाता है। या दूसरा हम कहते हैं कि जब इन्फ्लेशन होता है तो जो पैसे की परचेजिंग पावर होती है वो डिप्रिशिएट होती है, पैसे की परचेजिंग पावर डिप्रिशिएट होती है, तो हम उसे मेंटेन करने के लिए बार बार बैंक्स की तरफ ट्रिप्स करते हैं। जितनी बार आप बैंक्स जाओगे उतनी बार आपके जूते घिसेंगे, दैट इज वाई हम इसे कहते हैं शू लेदर। सो फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू बैंक, ये सिंपल सी चीज को लिखने का एक इंटरेस्टिंग तरीका है और कुछ नहीं, ये सिर्फ बताना है एक तरीके से कि जब भी इन्फ्लेशन होता है तो उससे बार बार प्राइस चेंजेस होते हैं और इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी दिखती है, जो मेनू कॉस्ट के थ्रू हम बताना चाहते हैं। एंड हमें बार बार अपनी जो डिमांड फॉर मनी है उसे फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है, होल्डिंग्स चेंज करना पड़ता है, क्योंकि पैसे की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है विद टाइम, तो हमें बार बार उसे इन्वेस्ट करके उसे मेंटेन करने की कोशिश करनी पड़ती है, तो शू लेदर कॉस्ट हमारे इनकर होते हैं। तो ये बेसिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो आरबीआई इसे अचीव करने के लिए बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। क्या क्या रोल्स प्ले करता है वो हमने ब्रॉडली सारे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट रोल होगा मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, जिसमें कुछ टूल्स हमारे जो करिकुलम में दिए हैं हमें वो डिस्कस करना है। सबसे बेसिक चीज, आरबीआई इज द सोल सप्लायर ऑफ करेंसी, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, ऑल द करेंसीज इन अवर कंट्री इज प्रिंटेड बाय आरबीआई ओनली। सिर्फ एक रुपए का नोट और जो कॉइन्स होता है वो हमारे देश में गवर्नमेंट प्रिंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करता है, बाकी इसके अलावा सब कुछ सोल अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही होती है। ये जो पैसा है ये पहले के जमाने में प्रिंट करने से पहले बैक किया जाता था, बैक किया जाता था मतलब उसके सामने कोई टैंजिबल वैल्यू होनी चाहिए, चाहे गोल्ड की बैकिंग हो या और कोई एसेट बैकिंग हो, लेकिन आज के वक्त में कोई बैकिंग नहीं होती। बैकिंग नहीं होती मतलब इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी टैंजिबल वैल्यू। जब कोई करेंसी की वैल्यू बिना किसी बैकिंग के क्रिएट की जाती है, प्रिंट की जाती है, उसे हम कहते हैं फियाट मनी, नॉट बैक्ड बाय अ टैंजिबल वैल्यू इज व्हाट इज फियाट मनी। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड फियाट मनी नहीं है, गोल्ड की खुद की वैल्यू ही वही है। वहीं 2000 का नोट है तो 2000 के नोट की खुद की वैल्यू 2000 नहीं है, उस पे लिखा है 2000, दैट इज व्हाई उसे 2000 का मानते हैं। फियाट का मतलब होता है बाय द ऑर्डर ऑफ,
बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इट विल होल्ड दिस मच वैल्यू। और ये कैसे हम क्रिएट करते हैं, बाय लॉ। बाय लॉ डिफाइन किया जाता है कि इसे पैसे की तरह ट्रीट किया जाएगा। भाई कोई भी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो मनी है। जिस भी चीज को आप लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना देते हैं वो मनी है। जैसे कि चेक भी एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी है, क्योंकि लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर वो होता है जो बाय लॉ बोला गया है कि आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा फॉर अ कंसिडरेशन। जैसे कि आप हमें फीस पे करते हैं और फीस पे करते वक्त आप हमें चेक देते हैं तो हम कह सकते हैं हम चेक नहीं लेंगे, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है, हमारे पास ये चॉइस है। लेकिन आप हमें मनी फॉर्म में दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में वो मनी है, वो लीगल टेंडर है, हम उसमें ना नहीं कह सकते। तो लीगल टेंडर मतलब लॉ की बैकिंग होनी चाहिए तो वो लीगल टेंडर कहलाता है। मनी किसी भी चीज को आप बोल सकते हो, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की हम बात करते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, इनकी बात करते हैं, लोग इसे अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो मनी है। लेकिन क्या सरकार ने उसको मनी बोला है, क्या लॉ ने उसे मनी बोला है, तभी वो लीगल टेंडर कहलाता है। जैसे आपको ध्यान होगा हमारे देश में वो एक बड़ी घटना हुई थी 8 नवंबर 2016 को, जब हम सब दिवाली की छुट्टियां मना रहे थे और अचानक से अनएक्सपेक्टेडली मोदी जी आए थे और रात को 8 बजे आके कहते हैं कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट नहीं है। उस समय न्यूज क्या चली थी, 500 and 1000 नोट्स सीज टू बी लीगल चेंजर, मतलब दे आर मनी, यू यूज इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट वी डोंट बैक इट, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से हम दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, लीगल चेंजर और फियाट मनी। सो आरबीआई इज द सोल सप्लायर, द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ऑफ करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को लेके इतना क्यों डिस्कशन है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में काम करता है, वहां कोई सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं होती, एंड दैट इज व्हाई इंडिया उस चीज को लेके इंप्लीमेंट करने में बहुत झिझक रहा है। अदरवाइज इट हैज बीन एक्सेप्टेड एट मेनी प्लेसेस बट इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल, जबकि आज तक जो हमने मनी फॉर्म देखा है वो सेंट्रलाइज्ड मॉडल रहा है। दूसरा हम कहते हैं सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, सरकार का पैसा संभालना वो सब कुछ आरबीआई करता है। जैसे हमारा पैसा कमर्शियल बैंक संभालते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोचक, इनमें से कोई भी संभालता होगा, और गवर्नमेंट का पैसा कौन संभालता है, आरबीआई संभालती है। गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, जीएसटी कलेक्ट करना है, इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है, सब्सिडीज ट्रांसफर करना है पीएम किसान फंड के हिसाब से, तो ये सारी चीजें सब कुछ आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली इट इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द गवर्नमेंट, इट इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इट इज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट, इट मैनेजेस पब्लिक डेट, हर ये सारी चीज आरबीआई करता है। इट इज ऑल्सो बैंकर टू द बैंक्स, हम लोग तो कमर्शियल बैंक में अपनी बैंकिंग एक्टिविटी करते ही हैं, कमर्शियल बैंक अपनी बैंकिंग एक्टिविटी आरबीआई के थ्रू कराता है, तो इट एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट टू वेरियस कमर्शियल बैंक्स द आरबीआई। How? Whenever a bank requires funds due to emergency, due to lack of funds, due to a certain situation, the last resort that they have is to arrange funds is RBI. RBI will always help that bank, whichever is suffering. Not because it wants to help that bank. That bank holds public money. And RBI is for the welfare of public. And इसीलिए हम ये देखते हैं कि lender of last resort का role play करता है RBI सब commercial banks के लिए। जैसे recent times में आप Yes Bank का example ले सकते हैं कि किस तरह से RBI ने उसे बचाने की कोशिश की। तो वो एक बहुत basic सा banker to the bank का हमारा point होता है। It supervises the payment system. So there are various payment system, NEFT, RTGS, इन सबको regulate करना, supervise करना, IMPS, UPI के जो interfaces हैं, BHIM, जो भारत interface for money है, ये सारे हमारे जितने भी payment system है, retail payments bank है, जो आज के time में telecom companies के payment bank है, इन सबको regulate और supervise करने का काम भी RBI ही करता है। Then we talk about monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल थिंग्स, बिकॉज हमने मॉनेटरी पॉलिसी में कहा था मनी सप्लाई कंट्रोल करना, और मनी सप्लाई कंट्रोल करना मतलब अपना ऑब्जेक्टिव मीट करना, दैट इज इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। मॉनेटरी पॉलिसी के कई सारे टूल्स होते हैं, जिसमें हम तीन टूल्स देखते हैं, पॉलिसी रेट, रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इनमें क्या होता है, पॉलिसी रेट को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू यूएस, फेडरल रिजर्व कॉल्स इट एज डिस्काउंट रेट। You go to European Central Bank, the Eurozone, they call it as refinancing. You go to Bank of England, they call it a repo rate. In India also we call it a repo rate. Repo का अपना full form होता है repurchase option. इसी से हमें majorly ये concept ही समझ में आ जाता है. Basically यहाँ पर क्या होता है कि commercial banks को central bank से, Reserve Bank of India से funds चाहिए.
शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। तो वो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए फंड एट अ पॉलिसी रेट लेता है। पॉलिसी रेट का मतलब ये हो गया कि भाई हम आपको सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज प्रोवाइड करेंगे, उसके सामने आप हमें पैसे दे दीजिए। तो समझो हम सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते हैं, कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है 100 रुपए में, और फिर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, शॉर्ट टर्म 2 हफ्ते ऐसा कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, वापिस रिपर्चेस कर लेगा सिक्योरिटी और 105 रुपए दे देगा। तो हुआ क्या, पहले सिक्योरिटी सेल करके 100 रुपए ले लिए, फंड्स की जरूरत थी, और फिर जब काम हो गया तो कुछ हफ्तों बाद शॉर्ट टर्म पर्पस जब उनका फुलफिल हो गया तो वही सिक्योरिटीज रीपर्चेस कर ली, रीपर्चेस ऑप्शन, और उसके सामने 105 रुपए दिए, यानी 5 रुपए ज्यादा दिए, 5% रेट आपको पे करना पड़ा। तो ये लोन जैसा ही हो गया। एक होता है कि सीधे सीधे 100 रुपए लेना और फिर कुछ टाइम बाद 105 वापस कर देना, जिसमें आप कुछ कोलैटरल रखते हैं। यहां पर हम सिक्योरिटीज की खरीद बेच करते हैं, सो सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड देन रीपर्चेसिंग इट एट अ हायर रेट। तो ये जो पॉलिसी रेट है ये अगर फ्लक्चुएट होती है तो कमर्शियल बैंक बोरोइंग फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि अगर हम कहते हैं पॉलिसी रेट बढ़ गई 5% की जगह 6% हो गई, तो पॉलिसी रेट अगर बढ़ जाएगी तो कमर्शियल बैंक डिस्करेज हो जाएगा इस तरीके के ट्रांजेक्शन करने में, और उसके पास फंड्स कम आएंगे। अगर उसके पास फंड्स कम आएंगे तो वो पब्लिक को कम फंड्स देगा, पब्लिक को कम फंड्स देगा तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट में डिमांड कर रहा है पब्लिक, उसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम होने की वजह से या फंड्स कम होने की वजह से कम डिमांड करेगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट्स को बढ़ाया जाता है। हम हमारे देश में इसे रेपो रेट ही बुलाते हैं, रीपर्चेज ऑप्शन रेट, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से सिर्फ उसे जाना जाता है। सो इसे आप बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। अगर हम वापस देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि रेपो रेट वो रेट है जिसपे एक तरीके से कमर्शियल बैंक को लोन मिल रहा है सेंट्रल बैंक से। अगर ये रेट बढ़ेगा तो पब्लिक को जो वो लोन देता है उसका भी बेस रेट उसे बढ़ाना पड़ेगा, एंड देयर बाय लोन्स महंगे होंगे, लोग लोन कम लेंगे, तो डिमांड कंट्रोल होगी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो अभी हमारे देश में 2021 में ये रेट्स काफी कम चल रहे हैं, बिकॉज अभी इन्फ्लेशन से बड़ी समस्या ग्रोथ है। अभी पॉलिसी रेट्स को कम रखा हुआ है, कमर्शियल बैंक्स को आसानी से लोन मिल रहा है ताकि वो पब्लिक को आसानी से लोन दे और हमें डिमांड की वजह से ग्रोथ दिखाई दे। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, पॉलिसी रेट बेटर नोन एज रेपो रेट इन आर कंट्री। देन वी टॉक अबाउट रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट इज बेसिकली LRR, द लीगल रिजर्व रेशियो। व्हाट इज दिस? जो हम कमर्शियल बैंक्स को पैसे देते हैं, कमर्शियल बैंक्स को डिपॉजिट्स देते हैं, उन डिपॉजिट्स में से कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को साइड कर देना होता है और बाकी बचा हुआ अमाउंट वो लोन दे सकते हैं। जो कुछ अमाउंट साइड कर देना होता है उसे हम कहते हैं रिजर्व। ये बात हमने इसके चैप्टर के फर्स्ट सेशन में भी देखी थी जब मनी मल्टीप्लायर डिस्कस कर रही थी, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, जिसमें लीगल रिजर्व रेशियो जितना बड़ा होता जाएगा बैंक की लोन देने की कैपेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि 1000 रुपए के डिपॉजिट आए, पहले 20% अगर रेट था तो मुझे 200 रुपए साइड रख के 800 रुपए लोन देने होते थे, अब अगर रेट बढ़ गया तो वो 250 हो जाएगा, 25% हो गया समझो, अगर तो 250 रुपए मुझे साइड रखने पड़ेंगे और 750 का ही लोन दे पाऊंगा। तो इसका मतलब मनी सप्लाई इकोनॉमी में रिड्यूस होगी, क्रेडिट कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इस तरह से जब भी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई जाती है इन्फ्लेशन हमें कंट्रोल होता हुआ दिखेगा। एज ऑफ नाउ हमारी कंट्री में ये बहुत कम चल रही है क्योंकि हमें ग्रोथ पुश करनी है, इन्फ्लेशन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तीसरा, वी टॉक अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये उन्हीं सेक्टर्स और इकोनॉमी में किया जाता है जहां थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हो, क्योंकि अगर वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो इसकी सक्सेस रेशियो थोड़ी कम होगी ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, और जिन सिक्योरिटीज में यहाँ डील किया जाना है उसकी वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। बेसिकली दिस इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज की खरीद बेच करना इन द ओपन मार्केट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या होता है कि अगर समझो ऐसी सिचुएशन है कि लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है इसका मतलब लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, उनसे हमें पैसे छीनने की जरूरत है, पैसे छीनने की जरूरत है, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज का एक इशू लाएगा, इट विल सेल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज सेल करेगा तो उससे पब्लिक से क्या ले लेगा, पैसे। पब्लिक से पैसे लेके उन्हें सिक्योरिटीज दे देगा, पब्लिक से पैसे ले लेगा तो उस केस में जो लोगों के हाथ में लिक्विडिटी थी वो एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो जाएगी,
एंड देयर बाय वो अमाउंट जो वो होल्ड कर रहे थे एज कैश और बैंक में रख रहे थे, जिस बैंक में रखने से बैंक के रिजर्व्स बढ़ रहे थे और मनी मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होकर क्रेडिट क्रिएट हो रहा था, वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा, वो प्रोसेस अटक जाएगा, जिस वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई हमने कंट्रोल किया बाय सेलिंग सिक्योरिटीज। सो व्हेनेवर वी से कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, वी टॉक अबाउट सेलिंग सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई टू द पब्लिक, आरबीआई टू द पब्लिक। तो आरबीआई विल गिव सिक्योरिटीज एंड टेक अवे देयर मनी at attractive rates in a well organized market where the value of security not fluctuate much। तो पैसे यहां आ गए, तो जो सेंट्रल बैंक के पास पैसे आ गए तो रिजर्व्स जो क्रिएट होते थे कमर्शियल बैंक के पास वो कम हो जाएंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और अगर समझो इसका उल्टा है, we are buying securities, RBI is buying securities, मतलब they are taking away securities and giving them money कि you take the money and spend so that there is growth in the economy। So, जब इन्फ्लेशन मुद्दा नहीं होता है तब हम बाई सिक्योरिटीज करते हैं ग्रोथ को पुश करने के लिए। इस तरह से हम यहां पॉलिसी रेट में कमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं रीपर्चेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज एट हायर रेट, दैट इज व्हाट इज पॉलिसी रेट। रिजर्व रिक्वायरमेंट इज अगेन आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में जो एक लीगल रिक्वायरमेंट रखी जाती है, इतना रिजर्व रखना होता है वो रेशियो होता है। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ओपन मार्केट आरबीआई डायरेक्टली पब्लिक से इंटरैक्ट करता है थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी टूल होता है। एंड देन व्हाट इज द अनदर रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, द लास्ट रोल दैट वी डिस्कस ओवर हियर इज इट होल्ड्स गोल्ड एंड फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स होल्ड करता है एंड गोल्ड होल्ड करता है, जिसमें फॉरेक्स रिजर्व्स होल्ड किए जाते हैं, यानी कि आरबीआई इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। व्हाई डज इट होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, सो टू मेंटेन दैट व्हाट डज आरबीआई डू? इट होल्ड्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जैसे कि अभी हम जून 2021 की बात करते हैं, अगर तो जून 2021 में हमारे पास $600 बिलियन की ट्रेजरी है, फॉरेक्स रिजर्व है, विच इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पे ऑब्वियसली इट इज चाइना, इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इन फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए एंड जो देश की बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन है उसे इंप्रूव करने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आगे जाके देखेंगे भी, उसे इंप्रूव करने के लिए, उसे सुधारने के लिए इन फॉरेक्स रिजर्व्स को रखा जाता है। बेसिकली कुछ कंट्रीज तो अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के सामने पैक करती है, मतलब फिक्स कर देती है कि इतने डॉलर्स इज इक्वल टू इतनी रुपए, ऐसा जो भी कंट्री करती है। हम पेगिंग नहीं करते हैं, वी डू नॉट बिलीव इन पेगिंग, वी आर नॉट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कंट्री, we are a flexible, in fact a managed flexible exchange rate country। तो जो country spec करती है वो regularly buying और selling of foreign currency करती है to achieve stability के objective से। तो ये काम पूरी तरह से RBI करता है। अब ये जो पेगिंग का कॉन्सेप्ट है, बाइंग सेलिंग की जाती है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, मैंने कहा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम है, फ्लेक्सिबल है, मैनेज फ्लेक्सिबल है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लास्ट रीडिंग सेशन में पढ़ेंगे, वेयर वी विल टॉक अबाउट ऑल द काइंड्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम्स दैट आर प्रेवलेंट इन द वर्ल्ड। तो वहां मैं आपको यहाँ पे ये वाली बातें प्रैक्टिकली थोड़ा समझाऊंगा, यहाँ खाली आपका लिंक आता है क्योंकि ये काम सेंट्रल बैंक करता है, दैट इज व्हाई हम सिर्फ लिंक देते हैं और अदरवाइज इसके अंदर अभी हमारा इतना कोई लॉजिकल डिस्कशन नहीं है। सो इसे हम कवर करेंगे लास्ट जब हम चैप्टर पढ़ेंगे करेंसी एक्सचेंज रेट्स, वहां हम इसे लॉजिकली देखेंगे, अभी मैंने सिर्फ आपको मेन मुद्दा बताया। इस तरह से हमने इस सेशन में क्या क्या कवर कर लिया, हमने रोल्स कंप्लीट कर लिए, रोल्स ऑफ सेंट्रल बैंक, कुछ 6 रोल्स देखे हमने ब्रॉडली, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव जिसमें मेनू कॉस्ट एंड शू लेदर कॉस्ट कवर किया, एंड मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में 3 तरह की हमने टूल्स कवर किए। सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड इन दिस सेशन। हम अपने नेक्स्ट सेशन में अगेन सेंट्रल बैंक के ही रिलेटेड क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है इंडिपेंडेंस की, क्या क्राइटेरियाज होती है जिससे वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उस पे कुछ पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशन के रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी को ही अभी आगे लेके जाएंगे। जब मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगा तब हम फिस्कल पॉलिसी पे स्विच करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस सेशन, विल मीट इन अनदर सेशन विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।